यूरोप, अमेरिका और एशियाई देशों में बर्फबारी और कड़ाके की सर्दी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बर्फ के बीच रोजमर्रा की जिंदगी भी सजा बन चुकी है, लेकिन मौसम की इसी मार को लोगों ने मनोरंजन का सामान भी बना लिया है। बर्फ में दफन गलियों में मोटर कार ना सही, स्लेज तो चल ही सकती है। ज्यादातर लोग काम पर नहीं जा रहे और जिनके सामने ऑफिस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं, उनके लिए स्केटिंग है ना। दुनिया भर में बर्फबारी ने अगर लोगों की मुसीबत बढ़ाई है तो मस्ती का सामान भी मुहैया करा दिया है। अब इस छोटू उस्ताद को ही देखिए। बर्फ दिखी तो जुगाड़ के स्नोबोर्ड पर शुरू हो गई स्केटिंग। जर्मनी में सड़कों पर बाबा गाड़ी तो नहीं चल सकती, लिहाजा इन मोहतरमा ने अपने बच्चों को घुमाने के लिए स्लेज ही ढूंढ निकाला। उत्तरी जर्मनी में तो इन दिनों स्केटिंग के शौकीनों के लिए बाहर ही आई हुई है। Wunderschön Wetter, Berlin, im Schneetraum. Wir sind Touristen, kommen aus dem Saarland und finden das fantastisch. लंदन में सड़कें बर्फ तले दबी हैं, उन पर मोटर कार नहीं चल सकती, लिहाजा कुछ लोगों ने ऑफिस आने जाने के लिए स्केटिंग करना ही शुरू कर दिया है। मुफ्त की बर्फ मिली और वो भी ढेर सारी, तो चीन के आइस फेस्टिवल की रौनक कई गुना बढ़ गई। हर्बिन में सालाना उत्सव के लिए कलाकारों ने दुनिया भर की मशहूर इमारतों के मॉडल बनाए, सब कुछ बर्फ से।